द्रौपदी मुर्मू ने 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्हें प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने संसद भवन के सेंट्रल भवन में शपथ दिलाई। इसके साथ ही वे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। इससे पूर्व उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ लेने से पहले राजघाट पर बापू को नमन किया। समारोह में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साथ साथ पहुंचे। मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख असैन्य और सैन्य अधिकारी समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पहले संबोधन में धरती आबा के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान से उन्हें प्रेरणा मिलती है। जनजातीय समुदाय के कई जन नायकों ने देश के लिए बलिदान दिया है। 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद देश को अपने पहले संबोधन में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि देश के सभी गरीब लोगों के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत में गरीब के सपने भी पूरे होते हैं। नई जिम्मेदारी मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। मिलकर नया देश बनाएंगे। उन्होंने देश के नागरिकों का विनम्रता से अभिनंदन किया। लोकतंत्र की शक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि वे नए भारत को गढ़ने के लिए आगे आएं। युवा जब आगे बढ़ते हैं तो देश का भाग्य बनाते हैं। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को लेकर राज्य के 25,000 से अधिक अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा। अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने राज्य सरकार से फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की गरीब जनता न्याय से दूर हो जाएगी। कोर्ट फीस बढ़ाने से पहले सरकार को एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया। अगर राज्य सरकार कोर्ट फीस बढ़ोतरी वापस नहीं लेती है तो बार काउंसिल इसको लेकर कठोर निर्णय लेने को बाध्य होगा। रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी पर सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक किया। बाबा को जल चढ़ाने को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। देवघर में सावन की दूसरी सोमवारी पर वैद्यनाथ धाम में बोलबम के जयकारे से माहौल भक्तिमय बना रहा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए देवनगरी में श्रद्धालुओं की लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा इलाका केसरियामय हो गया। रविवार की शाम से ही कतारबद्ध कांवरियों की लाइन लगी रही। 12 किलोमीटर से भी अधिक लंबी लाइन में लगकर श्रद्धालुओं ने अपनी बारी का इंतजार किया। अहले सुबह मंदिर का पट खुलते ही सरकारी पूजा के बाद बाबा का जलार्पण किया गया। इसके बाद आम श्रद्धालुओं को बाबा वैद्यनाथ का दर्शन कराया गया। सावन की दूसरी सोमवारी को साहिबगंज जिले के मिनी बाबा धाम के नाम से विख्यात बाबा राजेश्वरनाथ धाम शिवगादी में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार से ही शिवगादी धाम और मोतीनाथ धाम में कई राज्यों से कांवरिया पैदल भोलेनाथ को जलार्पण करने पहुंचे और मंदिर में प्रातः 4 बजे से ही लंबी कतार में खड़े होकर शिव भक्त बाबा भोलेनाथ का जलार्पण किया। लगभग 80,000 कांवरियों ने बाबा को जल चढ़ाया। वहीं साहिबगंज जिला मुख्यालय के महाराजपुर स्थित पहाड़ी गुफा में विराजमान बाबा मोतीनाथ धाम में भी कांवरियों का सैलाब पूजा अर्चना करने को लेकर उमड़ पड़ा। पूरे साहिबगंज का सड़क केसरिया रंग से पटा दिखा, जो देखते ही बन रहा था। वहीं जिला प्रशासन की ओर से शिवगादी धाम और मोतीनाथ धाम में शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना करने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखा। सावन की दूसरी सोमवारी पर बोकारो के शिवालयों में बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। चास के चेकपोस्ट स्थित शिव मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय और गौरी पार्वती के जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर बाबा भोलेनाथ का आराधना किया। भक्तों का कहना है कि लगभग 2 साल के कोरोना काल के बाद अब जाकर भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना करने मंदिर में आने का मौका मिला है। रामगढ़ और हजारीबाग दो जिले को जोड़ने वाला दामोदर पुल का अस्तित्व खतरे में है। बांस बल्ली के सहारे पुल को किसी तरह चलाया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि कोयला ट्रांसपोर्टिंग का रूट यही है। सीसीएल का बरका सयाल और अरगड्डा दो कोयला खदानों के अलावा अन्य की ट्रांसपोर्टिंग इसी पुल के माध्यम से होती है, लेकिन पुल पर किसी भी अधिकारी या जिला प्रशासन की टीम ध्यान नहीं दे रही है। वही गद्दी में लाखों लोगों का मार्केट भुरकुंडा है।
यदि पुल टूटा तो गिद्दी के लोगों का बाजार से संपर्क टूट जाएगा। धनबाद के SNMMCH के रेडियोलॉजी विभाग से शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई, लेकिन होमगार्ड जवानों और अस्पताल कर्मियों की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पाया गया और मरीजों की जान बचाई गई। यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बगल में ही सर्जरी विभाग मेल फीमेल वार्ड है, उसमें मौजूद मरीज भी आग की जद में आ सकते थे।